हमारे स्वर्णिम गौरव का प्रतीक मानगढ़ धाम आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा बलिदान देने वाला स्थान है। इसे पावागढ़ का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इस आदिवासियों के बीच जागरण के लिए सन 1883 में जागृति अभियान शुरू किया। इसके लिए उन्होंने संप सभा नाम का संगठन बनाया। उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के लिए मानगढ़ को मुख्यालय बनाया। भौगोलिक रूप से ये एक ऐसा स्थान था जिसके चारों तरफ तत्कालीन राजपूताना की 5 और गुजरात की 2 रियासतें पड़ती थी। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने रियासतों द्वारा ली जाने वाली बेगार का विरोध करना शुरू किया। साथ ही वनोपज पर आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई शुरू की तथा कृषि भूमि पर लेवी और महुआ से बनी शराब पर रोक का विरोध किया। अपने इस जागृति आंदोलन के लिए संप सभा ने जगह जगह सम्मेलन करने शुरू कर दिए। उनके इस आंदोलन से आदिवासी इलाकों से लगी रियासतें बौखला गई। नवंबर 1913 को माघशीष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 30,000 से अधिक आदिवासी वहां इकट्ठे हुए, लेकिन तभी 7 रियासतों की सेना ने अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उस पहाड़ी को घेर लिया। पूरे अभियान का नेतृत्व कमांडेंट कैप्टन जेपी स्टॉकले ने किया। इस अभियान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, खैरवाड़ा, ईडर और संतरामपुर रियासतों की फौज के अलावा वडोदरा की 104 वेल्सलेन राइफल, 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट और पंचमहल जिले के एसपी के नेतृत्व में सशस्त्र जवान शामिल थे। इस सामूहिक फौज ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर आदिवासियों पर हमला कर दिया। हालांकि आदिवासी 15-20,000 लोगों के मरने का दावा करते हैं। मेरे दादा दादी हाला और हाला की मेरे दादी अमरी और यहाँ बैठे थे और मेरे पिताजी वहाँ खड़े थे। आगे सापा बांध के जब गोली होकर आगे होकर निकल गई और आगे वो दोनों मर गए। फिर भी इतिहास को निरपेक्ष तरीके से परखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि कम से कम 1500 लोग मारे गए। इनमें से करीब 700-800 लोग मौके पर और बाकी घायल होने के कारण मारे गए। तीसरी और चौथी पीढ़ी के मुंह से सुने ये आंकड़े अतिरंजित लग सकते हैं। अगर तथ्यों पर गौर करें तो ये नरसंहार जलियांवाला बाग में हुए कांड से कई गुना बड़ा है, लेकिन दूरस्थ आदिवासी इलाके में हुई इस नृशंस घटना के बारे में तत्कालीन अखबारों में एक लाइन भी नहीं छपी। इस घटना की प्राथमिक जानकारी को शहरों तक पहुँचने में भी कई दशक लग गए और खुद राज्य सरकार ने इस शहादत को 86 साल बाद स्वीकार किया। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए निहत्थे आदिवासियों की इस सामूहिक हत्या की याद में हर साल यहाँ पर मेला लगता है। दूर दूर से आकर लोग यहाँ अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। जमा
और आज भी उस लोकगीत को गाते हैं जिसे वो 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ गाते थे, जिसका अर्थ है, हे अंग्रेज, तुझे मैं कभी नहीं मानूंगा। ये अड़िग आस्था है अपने इतिहास के प्रति, कोई माने या ना माने, पर ये सच है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा सामूहिक बलिदान यही हुआ, जिसे कृतघ्न पीढ़ी जिसे कृतघ्न इतिहास में दर्ज तक इतिहास में दर्ज तक नहीं किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस वतन पे मरने वालों यही बाकी निशान होगा। पर सच सिर्फ सच